Hi guys, good morning to you all. This is your friend Sagar and welcome back to our YouTube channel Jobs Update Point. कुछ कैंडिडेट्स जो है काफी देर से मैसेजेस कर रहे थे इंस्टाग्राम में और वीडियोस के कमेंट बॉक्स में भी जो है कमेंट देखने को मिले थे कि सर किस तरह का कीवर्ड जो है मैं यूज करना चाहिए स्किल टेस्ट के लिए. बिकॉज बात करें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तो स्किल टेस्ट की टेंटेटिव डेट जो है यूनियन असिस्टेंट पोस्ट के लिए वो निकाल दी गई है. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारा मॉक टेस्ट और स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस जो है वो वीकेंड चलती रहती है. बिकॉज स्किल टेस्ट जो है सैटरडे को हम कंडक्ट करते हैं और मॉक टेस्ट जो है वो संडे को रहता है. तो इस तरह की अगर कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो कि यूनियन असिस्टेंट पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप जो है मॉक टेस्ट और स्किल टेस्ट में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कहां पे आप जो है इन टेस्ट को दे सकते हैं वो फिलहाल वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे. तो बढ़ते इस वीडियो के साथ आगे और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह के कीवर्ड जो है आप यूज कर सकते हैं अगर आप एस्पिरेंट हैं और स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. आज की वीडियो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए नहीं, इवन CHSL क्लरिकल पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी फ्रूटफुल रहने वाली है. बिकॉज तीनों की तीनों पोस्ट की अगर बात की जाए तो स्किल टेस्ट जो है काफी ज्यादा अहम रोल प्ले करता है. और काफी ज्यादा मैं अगर बात कहूँ तो फर्स्ट स्टेज जो है यहाँ पे रहेगी यूनियन असिस्टेंट के लिए स्किल टेस्ट और CHSL के लिए जो है फिलहाल लास्ट में रहती है. और अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात की जाए तो वहां पे भी जो है सेकंड स्टेज देखने को मिलती है. तो बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ आगे और देखते हैं किस तरह के कीवर्ड जो है आपको प्रेफर करने चाहिए अगर आप एस्पिरेंट्स और स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा HP का लैप कीवर्ड है जो काफी ज्यादा कैंडिडेट्स के पास रहते हैं और काफी ज्यादा अच्छे कीवर्ड भी रहते हैं अगर आप प्रैक्टिस के मोड में जाते हैं. अगर आप एस्पिरेंट हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी स्किल टेस्ट की, चाहे किसी भी पोस्ट के एस्पिरेंट हैं, बट अगर आप टाइप टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको जो है HP के कीवर्ड्स पे जो है प्रैक्टिस करने का अगर मौका मिलता है तो काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहता है आपके लिए. बिकॉज इसकी कीज जो है काफी अच्छे से रजिस्टर्ड की जाती हैं, कीवर्ड के बॉर्डर है जो वो काफी अच्छे हैं. और न्यूमेरिक कीज की अगर बात की जाए सबसे बड़ी खासियत की वो जो है आपके राइट साइड में रहती है. अगर आप न्यूमेरिक के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो है एक मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही बेटर रहता है अगर आप न्यूमेरिक जो है राइट साइड से करते हैं इंस्टेड ऑफ इन ऊपर वाली कीज से. तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेन फोकस जो कैंडिडेट्स का रहता है अगर आप स्किल टेस्ट के लिए जाते हैं तो वो रहता है आपके अल्फाबेट्स के ऊपर. और स्पेशल कीज की अगर बात की जाए तो कॉमा और फुल स्टॉप के ऊपर रहता है और साथ ही में शिफ्ट के ऊपर रहता है. बिकॉज कैप्स लॉक या फिर शिफ्ट अगर आप यूज करते हैं जिस तरह से अपर और लोअर केस के लिए तो इस तरह की कीज के ऊपर जो है कैंडिडेट्स का काफी ज्यादा फोकस रहता है. इवन न्यूमेरिक के ऊपर बहुत कम रहता है. न्यूमेरिक के ऊपर जो है बैंकिंग सेक्टर के कैंडिडेट्स रहते हैं जो उनका रहता है. फिलहाल जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि HP जो है वो काफी बेटर रहता है. अगर आप एफर्ट कर सकते हैं HP लैपटॉप का कीबोर्ड तो आप एफर्ट कर सकते हैं, बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला जो कीबोर्ड आपके लिए. सो नेक्स्ट कीबोर्ड की अगर बात करें, अगर कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो कि कॉस्टली कीबोर्ड एफर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर बात करें HP के कीबोर्ड की तो एक कंपनी है और ब्रांड है और ब्रांड जब भी आप लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपको सस्ता नहीं मिलने वाला है. तो अगर आप ओरिजिनल कीबोर्ड की अगर बात करते हो तो 1000+ ही जो है आपको HP का ओरिजिनल कीबोर्ड देखने को मिलता है. बट अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको 200-250 से जो है वो मिनिमम कॉस्ट से जो है लोकल कीबोर्ड्स देखने को मिल जाते हैं. और मैं आपको प्रेफर करूंगा और मैं आपको बताना भी चाहूंगा जो कैंडिडेट्स HP जैसे कॉस्टली कीबोर्ड नहीं एफर्ट कर सकते, मैं उनको कहूंगा आप लोकल कीबोर्ड लीजिए, 200 का लीजिए, 250 का लीजिए. बट कीबोर्ड की जो कीज है वो इस तरह से होनी चाहिए जिस तरह से आपको अभी मेरे डेस्कटॉप में दिख रही है. बिकॉज अगर बात करूं मैं लोकल कीबोर्ड्स की, कोई भी जो है आप डिफरेंस बिल्कुल मत समझिएगा कि HP का कीबोर्ड और इस कीबोर्ड में कुछ ज्यादा बड़ा अंतर है. दोनों का जो है कॉस्टली का अंतर है. और HP की कीबोर्ड की अगर बात की जाए तो वो एक कंपनी है जो लोकल है, सबसे पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस की अगर बात की जाए, HP का जो कीबोर्ड होती है उस पर कुछ स्पेशल जो अलग से कीज दी होती है इस पर नहीं दी होती है, जो कि हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है प्रैक्टिस के लिए. मैं आपको बताना चाहूंगा वो कीज हमें रिक्वायर नहीं होती है प्रैक्टिस के लिए. और तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए, HP का कीबोर्ड जो है थोड़ा सा हैवी रहता है और उसके टॉप ऑर्डर में जो है थोड़ा सा बॉर्डर जो है काफी बेटर रहता है. लेकिन अगर बात की जाए इस कीबोर्ड की तो इसका बॉर्डर भी जो है एज पर मेरे अकॉर्डिंगली ठीक रहेगा कैंडिडेट्स के लिए. और कीज जो है वो काफी ज्यादा अच्छी से सेटल्ड की गई है जिस तरह से HP के लैपटॉप की. तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप एफर्ट नहीं कर सकते बड़ा कीबोर्ड, तो सबसे बेस्ट कीबोर्ड जो रहेगा इस तरह का कीबोर्ड रहेगा जो आपको 200-250 में अवेलेबल है. और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि डिफरेंस जो है बिल्कुल भी मत समझिएगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप सोचें कि नहीं जी कि HP वाला कीबोर्ड नहीं है मेरे पास तो ये जो कीबोर्ड है जो सस्ता है इस पर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी. बहुत ही बेटर कीबोर्ड है इस तरह की कीज अगर आपको मिल जाती है 200 से लेकर 250 की रेंज में जो है मिनिमम आपका बिगिनिंग रहता है इसका रेट का. नेक्स्ट बात करें आगे V7 का कीबोर्ड, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, बहुत ही अच्छे स्मूथली कीज जो है इसकी सेटल्ड की गई है इस कीबोर्ड में. अगर बात करें इसके बॉर्डर्स की तो आप देख सकते हैं जो बॉटम है इस पे जो है काफी ज्यादा बॉर्डर नहीं रखा गया है. टॉप इवन अगर बात करें टॉप की तो टॉप में बहुत अच्छा बॉर्डर रखा गया है कीबोर्ड के ऊपर. तो बहुत ही बेटर रहता है एस्पिरेंट्स के लिए. बिकॉज एस्पिरेंट्स जो है अपनी
जो है रिस्ट को टच नहीं करते हैं नीचे, जिससे काफी ज्यादा जो है उनकी टाइपिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो इस तरह के कीबोर्ड जो है आप प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे कीबोर्ड्स हैं, बहुत ही वेल सेटल्ड कीज हैं इसकी, और आप देख सकते हैं सारी की सारी फंक्शन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, जो मैंने आपको पहले लोकल कीबोर्ड बताया बिल्कुल सभी की सभी कीज जो है वहां पे भी अवेलेबल रहेंगी, जो कि आपको V7 में देखने को मिल रही है। बट कीबोर्ड की बॉर्डर की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा जो है लिटिल बिट दोनों में गैप आपको देखने को मिलेगा, और V7 का है जो कीबोर्ड और एक कंपनी का कीबोर्ड भी जो है माना जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है प्रेफर कर सकते हैं V7, HP या फिर लोकल, तीनों के तीनों जो पहले मैंने आपको तीनों इमेजेस बताई हैं बहुत ही फ्रूटफुल कीबोर्ड हैं अगर आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं। आगे बात करेंगे इस तरह के कीबोर्ड जो है मार्केट में फिलहाल चले हैं, कुछ गिटार टाइप चले हैं, तो इस तरह के कीबोर्ड जो है आप अपने शौक के लिए जो है रख सकते हैं। बट अगर आप एस्पिरेंट हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं किसी स्किल टेस्ट को क्रैक करने के लिए, तो आप जो है मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा इस तरह के कीबोर्ड्स के लिए। हालांकि हर एक कंपनी जो है काफी अच्छे से कीबोर्ड बनाती है, बट अगर आप एस्पिरेंट हैं और स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के कीबोर्ड जो है बिल्कुल भी प्रेफर मत करिएगा। आगे बात करें फ्रंटेक का कीबोर्ड, बहुत ही ज्यादा सस्ता रहता है आज की डेट में, अगर बात करें 400-300 में अवेलेबल रहता है आपको इस तरह के। फिलहाल जिस तरह की मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ इस तरह का तो नहीं रहता, इस तरह का 500 प्लस ही चल जाता होगा, बिकॉज मैंने इस तरह का नहीं लिया है। बट रिसर्च करने के बाद और मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं आपको कहूंगा कि फ्रंटेक के और भी इस तरह के कीबोर्ड आते हैं जिनकी कीज जो है इस तरह से रहती हैं, 300-400-500 के बीच जो है अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। तो इस तरह के कीबोर्ड भी जो है आप यूज कर सकते हैं, काफी अच्छे कीबोर्ड रहते हैं और उसकी कीज भी जो है काफी बेटर रहती है। और मैं आपको कहूंगा यूं कहूँ तो ये जो चार कीबोर्ड्स आपको मैंने बताए हैं पीछे वाली स्लाइड को छोड़ के, सभी के सभी जो है वो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ही बने हैं, इसको आप समझ सकते हैं। आगे बात करें इस तरह के कीबोर्ड जो है मार्केट में देखने को मिलते हैं, तो इस तरह के कीबोर्ड पे प्रेफर नहीं करूंगा बिकॉज इसकी कीज बहुत छोटी होती है, इनके बॉर्डर जो है बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आप एस्पिरेंट हैं प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह के कीबोर्ड जो है आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी देखने को बहुत कम मिलेंगे। तो कभी भी जो है अगर मैं आपको कहूँ अगर आप स्किल टेस्ट क्रैक करने जाते हैं तो इस तरह के कीबोर्ड में प्रैक्टिस मत करिएगा, बिकॉज नाइलेट जम्मू और नाइलेट श्रीनगर में जो है एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, CHSL की बात की जाए तो हर एक स्टेट में कंडक्ट किए जाते हैं, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो है इस तरह के कीबोर्ड जो है प्रैक्टिस के लिए आपको या फिर स्किल टेस्ट के लिए आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। उसके साथ बात करें इस तरह के कीबोर्ड जो है, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था फिलहाल ये लेंथ में काफी बड़ा है उसमें, और इसमें फर्क बता देता हूँ, इस पे जो है न्यूमेरिक कीज जो है राइट साइड में नहीं है, उसमें जो है न्यूमेरिक कीज राइट साइड में है। तो कभी भी किसी की सुनकर जो है इस तरह से प्रेफर मत करिएगा इस कीबोर्ड को। हालांकि आप अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपने ये चीज सब एनालाइज कर दी होगी, तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह के कीबोर्ड जो है बिल्कुल भी प्रेफर मत करिएगा। नेक्स्ट कीबोर्ड की बात करें, एक और कीबोर्ड जो है बहुत ही खूबसूरत कीबोर्ड है, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आप जो है इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसकी कीज जो है काफी अच्छी एडजस्टेड है, इसके बॉटम की अगर बात की जाए तो स्पेस बार भी जो है आपको बहुत अच्छी खूबसूरती से देखने को मिल रही है, और उसी के साथ में आप बॉर्डर अगर देखते हैं तो बॉर्डर जो है इसके कर्व शेप में, जो कि आपके दोनों हाथों को जो है जब आप हाथ रखते हैं कीबोर्ड पे टाइप करने के लिए तो राइट और लेफ्ट हाथ में आप देख सकते हैं, जब भी आपका जो रिस्ट होगी उसको यहाँ पे जो है इतना ज्यादा टच नहीं करने देगा, जिससे जो है आपकी स्पीड में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कीबोर्ड की बात करेंगे, देखिए कीज बहुत अच्छी है बट इस तरह के कीबोर्ड जो है फिर भी प्रेफर नहीं करूंगा आपको। रीजन बिहाइंड इट, इसकी जो है न्यूमेरिक कीज है जो वो राइट साइड में आपको देखने को नहीं मिलती है। आप कभी जो है खुद भी एनालाइज कर लीजिएगा, अगर आप न्यूमेरिकल कुछ टाइप करना चाहते हैं तो अगर आप राइट साइड जो कीज रहती है न्यूमेरिक 0 से 9 तक, अगर आप उसको प्रेफर करते हैं टाइप करना इंस्टेड ऑफ जो ऊपर वाली जो फंक्शन कीज के साथ होती है, तो आपकी इंप्रूवमेंट जो है हमेशा राइट साइड वाली कीज से ही रहती है। तो इस तरह के कीबोर्ड पर भी प्रैक्टिस करना जो है मैं प्रेफर नहीं करूंगा, हालांकि इस पर जितनी कीज है वो अच्छी है बट मैं आपको जो है इस पर प्रेफर नहीं करूंगा। आगे बात करेंगे इस तरह के कीबोर्ड जो है काफी ज्यादा जो है लोग रखते हैं आज की डेट में घर पे और काफी ज्यादा अवेलेबल भी रहते हैं मार्केट में, तो इस तरह के कीबोर्ड भी जो है प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल भी मत यूज करिएगा, बिकॉज कीज बहुत छोटी हैं, बॉर्डर बिल्कुल भी नहीं है और न्यूमेरिक कीज भी जो है आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी राइट साइड में। उसके साथ में बात करें, देखिए एक और कीबोर्ड जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, हालांकि इसकी स्क्रीन जो है थोड़ी सी धुंधली है, हालांकि मैं लास्ट में नेक्स्ट स्लाइड में जो उसको जो है रिकवर कर दूंगा। तो इस तरह के कीबोर्ड जो है आप यूज कर सकते हैं, लोकल कीबोर्ड भी अगर आपको मिलते हैं इस तरह के तो काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहते हैं आपके लिए। देखिए एटलास्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह की कीज यहाँ पे आपको किसी भी कीबोर्ड पे मिलती है, न्यूमेरिक जो है उसके राइट साइड में रहता है और बॉर्डर उसका अगर थोड़ा थोड़ा रहता है तो आप जो है उसको प्रेफर कर लीजिए। किसी को भी जो है वो लाइट वेटेड या फिर बिल्कुल छोटी छोटी कीज वाला लैपटॉप कीबोर्ड जो है वो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना चाहिए। और अगर आप एस्पिरेंट हैं, मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा कि लैपटॉप में बिल्कुल भी जो है प्रैक्टिस मत करिएगा, लैपटॉप जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है आपका जब आप स्किल टेस्ट देने जाते हैं, बिकॉज वहां पे जो है कीबोर्ड रहते हैं तो स्विच जब आप किसी दूसरी चीज में करते हैं तो आपके लिए जो है कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो लैपटॉप में बिल्कुल मत करिएगा। और मैं आपको फिर भी एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो टाइपिंग मास्टर में प्रैक्टिस करते थे और उनका टाइपिंग मास्टर जो है अब पेमेंट के लिए मांग रहा है या फिर प्रो वर्जन उनका एक्सपायर हो चुका है, 2 मिनट की टाइपिंग
आता है। तो इस तरह की अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको जो है उसका सोल्यूशन बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो की सॉरी नेक्स्ट स्लाइड फिलहाल आज की डेट में इतनी ही है। तो जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मॉक टेस्ट और स्किल टेस्ट जो हमारे वीकेंडली चल रहे हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट देना चाहता है तो वो जो है हमारी वेबसाइट जो कि www.prepareforjobs.com है वहां पे विजिट कर सकता है। हालांकि लास्ट वीक का मॉक टेस्ट का लिंक अभी भी अवेलेबल है, आप जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और स्किल टेस्ट है जो वो सैटरडे को कंडक्ट किया जाता है और मॉक टेस्ट जो है संडे को कंडक्ट किया जाता है। फिलहाल की आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई क्यूरी रहती है तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट पे फॉलो करके हमें क्यूरी का रिस्पांस ले सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।